द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को वोट दे दिया है और पूरी दुनिया के भरोसे ही इस वक्त मोदी जी भारत में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? दुनिया भर में क्या मोदी सरकार का डंका अभी से ही बजने लगा है? मोदी जी इन दिनों टीवी चैनल पर खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। जब से उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो तमाम गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर्स को, संपादकों को बुलाकर खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। अब उनका इंटरव्यू तो हमेशा से स्क्रिप्टेड होता है, तारीफों के पुल सुनते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। इस वक्त उन्होंने जो दावा किया उसके मुताबिक ये मान चुके हैं कि भारत की जनता ने मोदी सरकार को फिर से सत्ता में बिठा दिया है, थर्ड टर्म के लिए यह सरकार तैयार हो गई है। क्या कह दिया मोदी जी ने ऐसा जिसके बाद दुनिया भी उन पर हंस रही है कि जिन तर्कों के सहारे वो दावा कर रहे हैं कि देश में मोदी सरकार फिर से बन रही है, वो ना सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि मोदी सरकार के विवेक पर भी, प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे इरादों पर भी सवाल खड़े कर देता है। जरा देखिए, न्यूज 24 ने एक ग्राफिक्स शेयर किया है जो दरअसल आज तक पर दिए गए इंटरव्यू का हिस्सा है। वो स्टेटमेंट मोदी जी का है, मुझे सितंबर की मीटिंग के लिए राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था, मुझे G7 में पार्टिसिपेशन के लिए फोन आया, दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि यह सरकार बनने वाली है। अब मोदी जी दरअसल दो अलग अलग मुद्दों की बात कर रहे हैं, एक G7 मीटिंग की जो इस बार इटली में होने जा रही है और इसके लिए उन्हें 26 अप्रैल को फोन भी आया था और इसके लिए मोदी जी ने इटली के समकक्ष को धन्यवाद भी दिया था और कहा था कि मुझे G7 में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब G7 की बैठक कब होगी? जून में। गौर कीजिएगा, जून में बैठक होगी और इसकी तैयारी पहले की जाती है। पहले की जाएगी तो क्या भारत को अगर फोन आएगा तो जो इस वक्त गद्दी पर बैठा होगा, सत्ता में होगा, उसी को तो फोन आएगा? या फोन जो है इंतजार किया जाएगा कि नहीं पहले देख लेते हैं सरकार किसकी बनती है, उसके बाद फोन करेंगे उनको कि आइए G7 में आप इन्वाइटेड हैं? और इसको तर्क बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दुनिया भर को भरोसा हो चला है कि सरकार तो हमारी ही बनने जा रही है। उन्होंने तो एक G7 की बात की, फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सितंबर की कोई मीटिंग होने वाली है उसकी भी चर्चा कर रहे थे कि मुझे पुतिन का फोन आया था। अब पुतिन की बातों को लेकर, G7 की बैठक को लेकर जो ये माहौल बना रहे, जरा सोचिए, दुनिया का कोई भी आदमी इसे आसानी से समझ जाएगा कि अगर आपके देश में इलेक्शन है फिर भी, सरकार जून में बनने वाली है फिर भी, अगर कोई इवेंट पहले से प्लान है और अगर उसमें किसी देश को इनवाइट करना है तो निश्चित तौर पर वो इनविटेशन पहले जाएगा और जो उस वक्त सरकार में होगा उसे जाएगा। अगर मोदी जी नहीं भी सत्ता में होते, अगर कांग्रेस की भी सरकार इस वक्त सत्ता में होती, चुनाव देश में चल रहा होता, तो जब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे, जिस पार्टी की सरकार होगी, फोन तो उन्हें ही जाएगा ना। अब इसको भी कोई चुनावी आधार बना ले तो भाई अलग बात है। वैसे तो भारत में कई मोर्चे पर मोदी जी को झटका लग रहा है, राजपूत समाज की नाराजगी है, मुसलमानों की नाराजगी है, तो ऐसे में मोदी जी अब विदेशी शगुफा छोड़ने लगे हैं, तो इसको लेकर खबर भी कई जगह छपने लगी। देखिए, जनसत्ता ने आज तक के इस इंटरव्यू के अंश को बहुत ही हूबहू प्रकाशित करने की कोशिश की है, वो हम दिखाते हैं कि दरअसल यह शगुफा आया कैसे, कैसे मोदी जी ने अब अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सहारे ऐसी बातें कह दी हैं जो थोड़ी हास्यास्पद मालूम पड़ती हैं कि दुनिया भर ने मान लिया है कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी, ये तो बेतुका तर्क है। यहाँ जनसत्ता ने हेडलाइन में लिखा, पुतिन का मुझे फोन आया था, जानिए पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान क्यों कही यह बात, यह बातें हुई कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ जनसत्ता ने लिखा है, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद पांचवें चरण को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता रैली और जनसभाएं कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें वो कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रख रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को पूरा भरोसा है कि 4 जून को एक बार फिर से बीजेपी देश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो मोदी जी अपने सबसे मजबूत ताकत गोदी मीडिया का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। जनसत्ता ने भी कह दिया कि कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे, लेकिन यह इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है। अगर इनको देना है तो जो इन दिनों गोदी मीडिया चैनल छोड़कर यहाँ यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, इन लोगों को एक इंटरव्यू दें ताकि जो जन सरोकार की बातें हैं, जो सवाल हैं, वो पूछा जा सके। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें पता है कि इनके सामने ये फंस जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई इरादा भी नहीं होता है। लेकिन मुद्दा जब आ गया विदेशी मामलों का कि रूस से पुतिन का फोन आ गया, G7 में इन्विटेशन आ गया, ये तो तभी संभव है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है, तभी यह हो सकता है। ये तो वही बात हो गई कि अब कह रहे हैं कि हमारे घर में दादाजी को ही फोन आता है, लेकिन जब दादाजी के बाद कोई आएंगे, अगर वो रिश्ता है तो उन्हें भी फोन आएगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या हो रहा है। जनसत्ता ने कहा है, गुरुवार को पीएम मोदी ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी से जब सुधीर चौधरी ने पूछा कि अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं, देखिए मक्खन लगाया जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि और लोगों को भरोसा है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी से टिकट दिए जा रहे थे उस वक्त लोग कहते थे कि यह टिकट नहीं है, निर्वाचन का सर्टिफिकेट है, हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा और आपका काम है। अब देखिए ये मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ूं, मैं आपको मोटा मोटी बात बता देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि सुधीर चौधरी ने मोदी जी को खूब मक्खन लगाते हुए कहा, अरे जो है सो आप ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, आपके कैंडिडेट का भी क्या काम है, आपका चेहरा काफी है, कमल छाप काफी है, आप जब चाह लेते हैं तो सरकार बन जाती है, एक तरीके से वही कह रहे हैं। तो क्या अब मोदी जी इसका जो जवाब देंगे वो हैरान करने वाला होगा। जरा देखिए क्या कह रहे हैं मोदी जी कि इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि एक तो यह कि चुनाव जीतने वाला हूं या हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुंचने में आप काफी लेट हैं। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए, मुझे G7 की मीटिंग के लिए भी फोन आया। पीएम मोदी ने कहा कि इस लिहाज से दुनिया को पूरा भरोसा है कि यह सरकार फिर से बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने सुधीर चौधरी से कहा कि आप काफी लेट हैं, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अब इसको आप किस एंगल पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अब विदेशी बातों को जोड़ रहे हैं कि विदेश में यह संभावना है कि मोदी सरकार बनने वाली है, लेकिन विदेश क्या सोचता है, रूस क्या सोचता है, अमेरिका क्या सोचता है, इटली से क्या खबर है, उससे भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत की जनता को क्या मतलब कि पुतिन कह रहे हैं कि हम इन्विटेशन आपको दे रहे हैं या G7 के लिए इटली से न्योता आ जाए, इससे भारत की जनता को कतई फर्क नहीं पड़ रहा है। बावजूद इसके मोदी जी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे दुनिया में हमारा डंका ऐसे नहीं बजता है, अब हम आप हमें 400 पार करा दो, हमें वोट दे दो, हमारी सरकार बना दो, दुनिया में हम डंका बजाते रहेंगे। लेकिन दुनिया में कितना डंका बजता है ये सबको अच्छे से पता है, लेकिन मोदी जी इसे भी खूब भुना रहे हैं और खुलकर कह दे रहे हैं कि हमने अब देखिए हमें तो दुनिया मान रही है कि सरकार हमारी ही बनेगी तो भारत में भी लोग हमें वोट कर दें, लेकिन भारत में मुसलमान हो या फिर हिंदू समाज का कई तबका हो, हर किसी ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है और भारी नुकसान बीजेपी को होता भी दिखाई पड़ने लगा है। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने दिया मोदी को वोट, दुनिया में बन गई मोदी की सरकार, ये सिर्फ खोखली बातें हैं, सत्ता में वास्तविकता में इससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि देश ने क्या मूड बना रखा था और सरकार किसकी बन गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।